हेलो तो गाइस, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। आज जो पबजी का ट्रेंड चल रहा है उसमें मैक्सिमम लोगों को सिर्फ दो ही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। एक है नेटवर्क का इशू और दूसरा है मोबाइल का इशू। लेकिन आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए दो ऐसे बेस्ट ट्रिक या दो ऐसे बेस्ट हैक कर सकते हो आप, जिससे आपके मोबाइल में पबजी बिल्कुल ही लैग नहीं होगा। ये ट्रिक मैंने खुद अप्लाई की है मेरे मोबाइल में। और आपका मोबाइल कौन से भी रैम का हो, 2 GB रैम का हो या 3 GB रैम का हो या 4 GB रैम का हो, आपकी इसमें लैग का इशू अब बिल्कुल खत्म होने वाला है। सो ये दो ट्रिक को फॉलो कीजिए, आप पबजी के प्रो प्लेयर बनने के काबिल हो जाओगे। तो चलते हमारी मोबाइल स्क्रीन तरफ और देखते हैं हम पहला हमारा सेटिंग। हेलो तो गाइज, बढ़ते हैं हमारे पहले ट्रिक की तरफ। उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को, जो एक गूगल ड्राइव की लिंक है, उसे ओपन करके उस ऐप को इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको उस ऐप में जाना है। ध्यान रखिए कि ये ऐप आप प्ले स्टोर से ना डाउनलोड करिए, आप मैंने जो आपको लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ही डाउनलोड करिए, क्योंकि इसी ऐप से आपका जो लैग इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उस ऐप को ओपन करिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा है, बेस्ट सेटिंग फॉर योर डिवाइस, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको अपना मोबाइल सिलेक्ट करना है। जैसा मैं अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा है रेडमी नोट 7 प्रो। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है अपना मोबाइल। मैं अभी यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ रेडमी नोट 7 प्रो। इसे आपको अपने इसमें इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे कुछ ऐसा बोलेंगे, नाउ क्लिक बैक एंड क्लिक अप्लाई ओके। तो आपको बैक आना है और भी कुछ यहाँ पे सेटिंग करने हैं। जैसे यहाँ पे गेम वेरिएंट को यहाँ पे ग्लोबल पे सिलेक्ट करना है। बेसिक ग्राफिक्स को यहाँ पे छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये पहले से ही सेट होता है। तो आपको यहाँ पे कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। आपको लगता है तो यहाँ से आप अपने FPS को बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ आपको 40 FPS पे ही खेलना चाहिए। और यहाँ पे स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा भी कलरफुल मूवी या कौन सा भी आपको जो पसंद है वो सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ मूवी में ही खेलो, क्योंकि इस ऐप का जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसमें ये अच्छे से वर्क करता है। तो आपको फिर से बैक जाना है। और भी बेसिक सेटिंग्स है, बेसिक सेटिंग तो हो गया अपना हमारा। मिसलेनियस ग्राफिक्स है यहाँ पे, इसमें भी कुछ सिलेक्ट आपको कुछ इसको टिक नहीं करना है, बस जैसा दिया है वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है, इसमें आपका गेम बिल्कुल सही तरह से चलता है। तो और है इसमें एडवांस ग्राफिक्स, इसमें भी आपको जो अच्छा लगे उसे टिक कर दीजिए। जैसे मेमोरी बूस्ट है, ये पहले से डिफ़ॉल्ट में बंद था लेकिन मैंने ऑन कर लिया है, क्योंकि इससे अपना गेम परफॉर्मेंस को बूस्ट मिलती है। और ज़ीरो लैग इशू मोड को भी आप अनेबल कर दीजिए, इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेंगी। और पोटैटो ग्राफिक्स को भी ओपन कर लीजिए, क्योंकि इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेंगी। और हमारे पढ़ते हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्राफिक्स की तरफ, यहाँ पे हम अपनी साउंड क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इसे इतना ही रख दीजिए। और बस हो गया, अब आपको इसको अप्लाई करना है और रन गेम करना है। बस आपका गेम यहाँ से शुरू हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे हमारा बूस्ट हो गया है गेम। और ये कुछ आपके ग्राफिक्स कम करता है, कुछ परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और कंट्रोल्स भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं इससे। तो ये बेस्ट ऐप है जो मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं, बस डाउनलोड करना है और हो गया। अभी मैं आपको गेम शुरू करके नहीं बताता हूँ। अभी मैं आपको गेम नहीं शुरू करके बताऊँगा, सिर्फ इंटरफेस दिखा के बढ़ते हमारी सेकेंड ट्रिप की तरफ। तो अभी इंटरफेस आए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स भी बढ़ चुके हैं यहाँ पे अच्छे से, और काफ़ी स्मूथ दिख रहा है। देखो आप यहाँ से ही पता लगा सकते हो कि कितना स्मूथ हो गया मेरा गेम, यहाँ से ही पता लगता है कि कितना स्मूथ हो गया। तो चलते हैं हमारी सेकंड ट्रिप की तरफ। हमको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जो सेकंड ट्रिक है उसके लिए आपको अपने सेटिंग में जाना है। अगर आपका मोबाइल शाओमी का है तो आपको इजी पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मेरा भी रेडमी है, शाओमी है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे, अगर आप डेवलपर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आपको यहाँ पे अबाउट फ़ोन में जाना है। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पे MIUI वर्जन को
दो तीन बार क्लिक करना है तो आप डेवलपर बन जाओगे। मैं पहले से डेवलपर हूँ इसलिए यहाँ पे यू आर ऑलरेडी डेवलपर दिखा रहा है। जैसे आप डेवलपर बन जाते हो हमें नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाने के बाद यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे आप डेवलपर ऑप्शन में आ जाते हो आपको बहुत नीचे जाना है नीचे की ओर, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ये फोर्स जीपीयू रेंडरिंग, ये आपका ऑफ रहेगा तो इसे ऑन कर दीजिए जिससे आपका जो पबजी लैग का इशू है वो बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इससे आपके मोबाइल की जो परफॉर्मेंस होती है वो गेमिंग की तरफ ज़्यादा फोकस हो जाती है, जो बाकी बैकग्राउंड में ऐप चलते हैं उसको काफ़ी डिसेबल करता है, काफ़ी तरह से डिसेबल कर देता है। तो ये दो बेस्ट सेटिंग है, इसे आप अपने मोबाइल में करिए और लैग फ्री गेम प्ले खेलिए पबजी का, आप रियली इन्जॉय करोगे। तो इसके लिए सिर्फ आप इतना करना है कि मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर देना है और कुछ लोगों में शेयर कर देना है जिससे मेरा सब्सक्राइबर बनेंगे, और भी ऐसे वीडियोस के लिए लाइक करिए मेरी वीडियो को। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।